गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ आई एम शेयरिंग अ न्यू टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए, सिर्फ एक किलोमीटर के लिए, तो उसके किराए क्या थे? ₹8 थे। आगे के जो डिस्टेंस थे, फॉर द सबसिक्योर डिस्टेंस, मतलब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, उसने ₹5 पर किलोमीटर लिए। पहले किलोमीटर के लिए उसने ₹8 लिए, फिर उसके बाद आगे के जो डिस्टेंस थे पर किलोमीटर के हिसाब से उसने ₹5 लेना शुरू कर दिए। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, डिस्टेंस को हमने एक्स किलोमीटर लेकर चलना है। एंड द टोटल फेयर एज वाई, और जो वो टोटल कितना किराया लेगा, टोटल कितने पैसे वो लेगा, उसको हमने वाई लेके चलना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। टोटल फेयर हमने कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को हम एक्स किलोमीटर लेंगे, टेक डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर। उसके बाद वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए लिए उसने, 8। फिर जो आगे का डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो बाकी के डिस्टेंस आ जाएंगे 1 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो आगे के डिस्टेंस आ जाएंगे। उसके लिए कितने रुपीस चार्ज किए उसने, ₹5। टोटल फेयर हमने निकालना है, डिस्टेंस को हमने एक्स किलोमीटर लिया है, पहले किलोमीटर के लिए कितने लिए, ₹8। बाकी के डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, जो एक्स हमने लेके चलना है माइनस कर देंगे 1 किलोमीटर में से, तो आगे के डिस्टेंस आ जाएंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹5 के साथ, क्योंकि उसने ₹5 लिए हैं। एक्स को हम लेते हैं किलोमीटर में, वाई लेते हैं रुपीज़ में, टोटल फेयर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5x-5+8। 5x-1+8 हमारे पास जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने x को 0 पुट करना है, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। जैसे कि हमने यहाँ पे 0 पुट किया, 5 0 -1+8, -5+8, y की वैल्यू क्या आ गई है, 3। अगर मैं यहाँ पे उसके बाद y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/5 इक्वल्स टू -0.6। पहले हमने x को 0 पुट किया, हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। अब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.6। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे वैल्यू पुट करके। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमारे पास कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस लाइन, ठीक है, इसको हम एप्सिसा बोलते हैं। और ये हमारे पास कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस लाइन, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। जब हमने x को 0 पुट किया तो y क्या था, 3। x को 0 पुट किया, y हमारे पास आ गया 3, तो हमने 0.3 यहाँ पे पॉइंट लिख लिया। जब हमने y को 0 पुट किया, x क्या आया हमारे पास, -0.6। y को 0 पुट किया तो x हमारे पास आ गया 0.6, ये हमारे पास ओरिजिन है, और ये हमारे पास आ गया 0.6, इसको लिखेंगे -0.6, 0। तो लाइन कहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, तो ये हमारे पास जो है आंसर है, ठीक है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को क्या लेना है, x किलोमीटर, पहले किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसने ₹8 चार्ज किए। फिर बाकी के डिस्टेंस हमने कैसे निकालने हैं, जो x डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे इस 1 में से, तो बाकी के डिस्टेंस आ जाएंगे, उसको उसके लिए कितने चार्ज किए, ₹5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई ये वाली, पहले x को 0 पुट करिए, y की इक्वेशन आ जाएगी, y को 0 पुट करिए, x की इक्वेशन आ जाएगी। तो उस हिसाब से आपने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, x को 0 पुट करके y 3 आ गया, y को 0 पुट करके x -0.6 आ गया। इसको ध्यान में रख के हमने बनाया एक ग्राफ, और हमने यहाँ से लाइन ली है, पॉइंट्स लगाए हमने, और यहाँ पे ये जो लाइन है किस इक्वेशन की लाइन है, y इक्वल टू 5x-1+8। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5, एक्सरसाइज 4.3। फॉर द चॉइस गिवन बिलो, अब हमें ऑप्शंस गिवन है, चूज द इक्वेशन। इन ऑप्शंस में से, इन दोनों ऑप्शंस में से हमने एक एक इक्वेशन चूज करनी है, और हमने देखना है कि
ये ग्राफ हमें गिवन बना हुआ आया है, ठीक है। हमने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो लाइन लगी हुई है, ये जो लाइन लगी हुई है, हमने डिसाइड करना है कि ये जो लाइन है किस इक्वेशन की लाइन है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे, पहले हमारे पास क्या है, जीरो जीरो पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो वाई जीरो आ जाएगा, वाई को जीरो पुट करता हूँ तो एक्स जीरो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पे इसके साथ जो है सेटिस्फाइड हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट्स हमने इसके साथ सेटिस्फाइड करने हैं। अगर मैं एक्स को -1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो वाई क्या आएगा, -1, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, ये इक्वेशन रिजेक्ट कर दी गई हमने। यहाँ पे हमारे पास 0 0 पॉइंट है, एक्स को 0 पुट करूँगा तो वाई क्या आएगा, 0, वाई को 0 पुट करूँगा तो एक्स क्या आएगा, 0, तो ये इक्वेशन, ये जो पॉइंट्स हैं इस पे सेटिस्फाइड है। अब -1 और 1, अगर मैं एक्स को -1 पुट करता हूँ, अगर मैं एक्स को -1 पुट करता हूँ प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई क्या हो जाएगा, 1, तो ये भी पॉइंट जो है सेटिस्फाइड है। अगर मैं एक्स को 1 पुट करता हूँ, एक्स को 1 पुट करता हूँ तो वाई क्या आ जाएगा, -1, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है तीनों पॉइंट्स के लिए। तो हमने इस इक्वेशन को चूज़ कर लिया है, और बाकी अगर आप चेक करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फॉर फिगर 1, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज पॉसिबल, दिस इक्वेशन लाइज ऑन ए लाइन बिकॉज इट सेटिस्फाइज दैट ऑल द पॉइंट्स 0 0, -1 1, 1 -1 लाइज ऑन इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि ये जो पॉइंट्स है, क्या इन इक्वेशंस पे लाइक, कौन सी इक्वेशन पे लाइक कर रहे हैं। 0 2, एक्स को 0 पुट करना है, वाई कितना आना चाहिए, 2। एक्स को 0 पुट किया, वाई आ गया 2, पहला पॉइंट सेटिस्फाइड। एक्स को पुट करना है -1, वाई आना चाहिए 3। एक्स को -1 पुट करूंगा तो वाई आ रहा है मेरे पास 1, तो ये इक्वेशन रिजेक्ट हो चुकी है। एक्स को 0 पुट करना है, वाई कितना आना चाहिए, 2, यहाँ पे -2 आ रहा है तो ये भी रिजेक्ट हो चुकी है। एक्स को 0 पुट करना है और वाई कितना आना चाहिए, 2, जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो वाई कितना आ जाएगा, 2, ये सेटिस्फाइड है। एक्स को -1 पुट करना है तो वाई कितना आएगा, 3। एक्स को -1 पुट करेंगे तो वाई 3 आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, -1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। एक्स को 2 पुट करना है तो वाई कितना आ जाएगा, 0, तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो रही है। सो फोर फिगर, यहाँ पे फिगर फर्स्ट आना था, फोर फिगर सेकेंड, ऑप्शन थर्ड इज पॉसिबल, दिस इक्वेशन लाइज ऑन ए लाइन बिकॉज इट सेटिस्फाइज दैट ऑल द पॉइंट्स -1 3, 0 2 एंड 2 0 लाइज ऑन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, वाई इक्वल्स टू -x+2, तो ये हमारे पास है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस।
एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो हमने इसकी इक्वेशन बनानी है और उन दो वेरिएबल्स पे इक्वेशन बनानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें गिवन है कि जो फोर्स है वो क्या है, 5 यूनिट्स है, मतलब फोर्स क्या है, 5 यूनिट्स है। ऑल्सो रीड द ग्राफ एंड द वर्क डन विद इन द ट्रेवल। हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है और 0 यूनिट्स। वाई क्या होता है, वर्क डन, फोर्स क्या है एफ, डिस्टेंस को हमने एक्स लिया, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमें गिवन थी 5, वर्क डन को हमने वाई मान लिया, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। पहले हम पॉइंट्स कैलकुलेट, अपने आप से पॉइंट्स निकालेंगे, हम इस हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम खुद पॉइंट्स निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे। एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई क्या आएगा, 0। एक्स को 1 पुट करेंगे तो वाई क्या आएगा, 5। एक्स को 2 पुट करेंगे वाई आएगा 10। एक्स को 3 पुट करेंगे वाई आएगा 15। तो 0 0 पॉइंट यहाँ पे ग्राफ बन गया, ठीक है। फिर आएगा 1 और 5। 1 एक्स की, एक्स को मैंने यहाँ पे 1 लिया, वाई को हमने ले लिया यहाँ पे 5, पॉइंट लगा दिया। एक्स को लेना है 2, वाई 10। एक्स को 2 लिया, वाई 10, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। एक्स को 3, वाई 15 यहाँ पे ले लिया। तो ये लाइन हमने सीधी लगा दी, तो ये हमारे पास लाइन बन गई है और इक्वेशन भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, वाई इक्वल्स टू 5x। इस इक्वेशन की ये लाइन है। अब ये कह रहा है कि वर्क डन निकालो अगर एक्स 2 यूनिट्स है। अगर x 2 यूनिट्स हैं तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन कैलकुलेट करना है। x को 2 लेना है, ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 10। अगर x को 2 यहाँ पे लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 10। तो हमने ये यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। 4x इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा, y 0। x को 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, तो वो लाई करेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है।